आपने जो ईश्वर की प्रार्थना है जिसमें आपने सुन रखा है, उदाहरण जैसे तुम्ही हो माता पिता क्या है, तुम्ही क्या दिया है, तुम्ही हो बंधु बंधुष्य क्या दिया है, सखा तुम्ही हो, बस एक ही चीज क्या दिया है कि तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु से सखा तुम्ही हो। इसका मतलब कि वस्तु एक ही है लेकिन उसको अलग अलग रूप में वर्णन किया गया है। ऊपर आपने क्या लिखा है कि एक ही वस्तु का उल्लेख अलग अलग रूप में किया जाए। अब देखिए यहाँ वस्तु एक ही क्या है, अरे यहाँ एक ही वस्तु से मतलब है भगवान से, कि एक ही वस्तु है भगवान, उस भगवान को यहाँ अलग अलग रूप में वर्णन कर दिया है। तुम ही हो माता, उसी भगवान को माता बता दिया, उसी भगवान को पिता बता दिया। वस्तु तो एक ही है अर्थात परमात्मा तो एक ही है लेकिन उसी को कहीं माता बता दिया तो कहीं पिता बता दिया। और यहाँ लिख दिया बंधुष्य, बंधुष्य का मतलब है बंधु भाई, जो है वो तू ही है। और यहाँ क्या दे दिया सखा, और दोस्त भी है तो तू ही है। इसका मतलब कि एक ही वस्तु का उल्लेख अलग अलग रूप में जब किया जाए वहां क्या होता है, उल्लेख अलंकार होता है। अब देखिए अब अगला आपका जो दिया है जिसमें क्या दिया है, लास्ट है आपका जो आपको ज्यादातर काम आने वाली चीजें हैं, तो जिसमें क्या दिया है पाठ, क्या दिया है अपनहुति, अपनहुति अलंकार, ये आपका लास्ट है अपन। तो अपन होती का मतलब, अपन होती का जो मतलब है वो क्या है, अर्थ जिसे कहते हैं छिपाना, छिपाना। इसमें जो वास्तविक अर्थ होता है ना उस वास्तविक अर्थ को थोड़ा सा छिपा दिया जाता है। क्या दिया है कि किसी जो वास्तविक अर्थ है उसको छिपा दिया जाता है, या फिर उसको क्या बोलते हैं अपन, निषेध, निषेध कर दिया जाता है। निषेध, निषेध का मतलब मनाही, अब मनाही हो गई तो वो कोई चीज है जो अपने आप जो हट जाएगी अर्थात वो छुपा दी जाएगी। तो जहाँ छिपी हुई चीज हो, जहाँ निषेध कर दिया गया हो, तो वहाँ स्थिति में क्या होता है। अब देखिए इसको जैसे अपन दूसरे हिसाब से समझें, जब किसी सही बात को क्या दिया है छिपाकर, सही बात को छिपाकर क्या दिया है उसके स्थान पर, उसके स्थान पर क्या दिया है गलत, किसी गलत, किसी गलत या क्या दिया है झूठी बात, गलत या झूठी बात क्या की जाए, बात की स्थापना की जाए, स्थापना की जाए, वहां क्या होता है अपनहुति अलंकार होता है, अपनहुति अलंकार होता है। अब देखिए इसमें
उदाहरण दिया है, क्या दिया है, सुनौ नाथ रघुवीर कृपा उदाहरण। सुनौ नाथ, सुनौ नाथ रघुवीर, रघुवीर क्या दिया है, कृपाला। आगे क्या दिया है कि बंधु ने होए, बंधु ने हो मोर यह काला, ये उदाहरण है इसका। ये क्या दिया है, ये उदाहरण है इसका। तो देखिए क्या दिया है कि जब किसी सही बात को छिपाकर उसके स्थान पर किसी गलत या झूठी बात की क्या की जाए, स्थापना। जब किसी सही बात को छुपाकर उसके स्थान पर किसी गलत या झूठी बात की स्थापना की जाए, वहां क्या होता है, अपनहुति अलंकार होता है। जिसका अर्थ क्या दिया है, अपनहुति का अर्थ जो होता है वो छिपाना होता है, निषेध करना होता है। तो सही बात है उसको निषेध करके हटा दिया जाता है और दूसरे शब्दों में उसको छिपा दिया जाता है और उसकी जगह गलत झूठी बात की स्थापना कर दी जाती है। तो देखिए यहाँ दिया है कि सुनौ नाथ रघुवीर कृपाला। इसका मतलब जब सुग्रीव और बाली में युद्ध हुआ था तो राम जी पहुंचे थे वहां किष्कंधा में, तो सुग्रीव ने ये बात कही थी बाली के विषय में श्री राम जी से, जिसने क्या कहा था, सुनौ नाथ रघुवीर कृपाला कि हे कृपा के सागर श्री राम रघुवीर, क्योंकि वीर योद्धा है रघुकुल के, तो राम है कि सुनौ नाथ कि हे स्वामी सुनिए दया के सागर कि बंधु न होए, कि जो बाली है ना वो मेरा भाई नहीं है, तो वास्तविक यहाँ क्या कर दिया, सही बात को छिपा दिया। अरे भाई तो है, लेकिन उस भाई को क्या कर दिया, सही बात को छिपाकर उसके स्थान पर झूठी गलत बात स्थापित कर दी। तो सुग्रीव ने क्या कहा, बंद न भूल कि ये मेरा भाई नहीं है, श्री राम से क्या दिया, मोर ये काला कि ये तो मेरा क्या है, काल है, भाई नहीं। इस तरह से उन्होंने उस झूठी मतलब सही बात पर अपनी झूठी बात को स्थापित कर दिया। तो वहाँ का दिया है और दूसरा उदाहरण दिया है इसमें कि नहीं पलाश के पूहित ही, नहीं पलाश के पूहित जी क्या दिया है, ये हैं जरातांडा, ये हैं जरत अंगा। इसका मतलब कि नहीं पलाश के पूप, अरे पलाश का जो पेड़ होता है, पूप माने फूल, पलाश के फूल ऐसे खिलते हैं, और जब पलाश का जंगल खिलता हुआ तुम देखो ना तो तुम्हें कैसा भ्रम पैदा हो जाएगा, जैसे कोई अग्नि जल रही हो, क्योंकि पलाश में लालिमा और पीली आभा होती है, इसीलिए वो अग्नि जैसी प्रज्वलित होती हुई दिखाई देती है। पलाश के जब वन जंगल को देखते हैं तो यहाँ क्या गया, नहीं पलाश के पूप, कि जो पलाश के जो पूप है उस वास्तविक चीज को हटा दिया, छिपा दिया। अरे पलाश के पूप पेड़ है वो तो पलाश के फूल ही हैं, लेकिन यहाँ क्या दे दिया, ये हैं जरत अंगा कि पलाश के फूल नहीं, पलाश के पेड़ में जलते हुए अंगार दिखाई दे रहे हैं, जबकि वास्तविक क्या है, पलाश के ही फूल है, लेकिन वो कैसे होते हैं, पीली और लालिमा आभा लिए होते हैं। इसीलिए यहाँ क्या कर दिया, किसी सही बात को छुपाकर उसकी जगह झूठी बात, यहाँ झूठी बात क्या दिखा दिया कि पोहूप की जगह अंगार शब्द को लगा दिया, जिससे स्पष्ट हो गया है कि भाई ये
क्या है कि झूठी स्थापना की गई है, तो ये अपनुति अलंकार है। इस प्रकार आपके जितने काम आने वाले जो अलंकार थे ना, वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर और टॉपिक अगले उसमें बताऊंगा आपको।